लगातार 21 घंटा दरवाजे के सामने खड़ी रही, दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। जी आप लोगों को तो मालूम पड़ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम MJR मेमोरियल यानी कि जय जयललिता की समाधि पर घूमने आए हैं। ये तमिलनाडु राज्य में है, चेन्नई सेंट्रल से ये मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि मेरीना बीच की रोड पर है ये जगह। आज एक ऐसी अनोखा प्रेम कहानी आपको बताएंगे जिसकी चर्चे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति की गलियां तक होती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जय जयललिता एवं MG रामचंद्रन की। क्या आप लोग को पता है राजनीति की सियासत में रहने के टाइम में जो अम्मा के नाम में मशहूर थी, बचपन में उनका नाम अम्मू थी। जब अम्मू छोटी थी उनकी माँ फिल्म में काम करती थी। जब काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ता था, फिल्म में काम करना पड़ता था, तब वो नन्ही सी बच्ची अपनी माँ के पल्लों के पकड़ कर रोती थी, उन्हें नहीं जाने देती थी, नहीं छोड़ती थी। बड़े होने के बाद फिल्मी दुनिया से, ग्लैमर दुनिया से उनको नफरत थी। जिसने ठानी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में वो कभी अपना कदम नहीं रखेंगे, किसको पता था वही लड़की एक दिन तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक मशहूर अभिनेत्री बन जाएगी। उनकी सेकंड फिल्म में दक्षिण के सुपरस्टार MGR के साथ उनको हीरोइन के रूप में काम करने का मौका मिला था। जयललिता फ्रीकली इंग्लिश बोलती थी, इंग्लिश में वो एक्सपर्ट थी। शूटिंग के दौरान जब भी उन्हें मौका मिलता था वो किससे बात नहीं करती थी, एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती थी एवं इंग्लिश के नॉवेल को पढ़ा करती थी। इंग्लिश में बोलने वाली, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली जयललिता के प्रति ऊपर MGR ने पहले दिन से ही फिदा हो गए थे। खुद जयललिता ने एक बार इजहार किए थे कि एक बार मेरी गाड़ी थोड़ी दूरी पर पार्किंग थी, तब फिल्मी शूटिंग के दौरान हम राजस्थान की रेत पर फिल्म शूटिंग कर रहे थे, मैं नंगे पैर थी और मुझे चलने की दिक्कत हो रही थी। मेरी तकलीफ को MGR ने समझा और मुझे गोद में उठाकर मेरी गाड़ी में छोड़ दी। MGR पहले से ही 3 बार शादी कर चुके थे, ये वो कारण था जिसकी वजह से MGR एवं जो जयललिता के बीच शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन एक पत्नी की तरह जयललिता प्यार करते थे, MGR की सारी बातें मानते थे। लोग उनके प्यार को हीरे रांझा, लैला मजनू, इन सोनी ओवाल के प्यार के साथ कंपेयर करते थे। फिल्म दुनिया से लेकर राजनीति की दुनिया तक जितना कामयाबी उनको मिली वो कामयाब दिलाने वाले इंसान MGR थे। 1977 में MGR तमिलनाडु के CM बन गए थे। 1982 में जयललिता तमिलनाडु की विधायक बनी थी। जब 2 साल के लिए वो राज्यसभा को निर्वाचित हो गई थी, तब सियासत में MGR का उत्तराधिकारी के रूप में जयललिता बन गई थी। जयललिता की जिंदगी में असली ट्रेजेडी तब शुरू हुआ जब MGR का निधन हो गया था। जब MGR का निधन होने का खबर जयललिता को मिली, तब वो MGR के घर पर आए थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, लेकिन 21 घंटा दरवाजे के सामने खड़ी रहने के बावजूद, दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद MGR के घर वालों ने, किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। जब घर के पीछे के दरवाजे से MGR के सब को बाहर भेज दिया गया, उसके बाद दरवाजे खोले, किसी ने नहीं बताया MGR के सबको कहां पर रखे हुए हैं। जयललिता ने पागल की तरह ए रूम से बो रूम ढूंढती रही। बहुत देर के बाद उन्हें मालूम पड़ा MGR के सबको राजाजी हॉल में रखा गया है। तब वो उधर से राजाजी हॉल को निकल गई, उधर जाके पहुंच गई। उधर जब सब लोग रो रहे थे, वो बस ऐसे ही चुपचाप खड़ी होके बिना आंसू टपकाए, बिना किसी को कुछ बोले MGR सबको ऐसे ही देख रही थी। MGR की घर वालों ने जानबूझ के जयललिता के पैर पर कुचल रहे थे, चल रहे थे, ताकि वो जगह छोड़ के चले जाए वहाँ से, लेकिन वो ऐसे ही खड़ी रही। इसके बाद जब
शव यात्रा हुआ एमजीआर का, तो फिर एमजीआर का घर वाले लोगों ने किसी ने जयललिता को दूर जाने के लिए मौका नहीं दिया, गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए मौका नहीं दिए। उसके बाद वो पागल की तरह गाड़ी के पीछे पीछे ऐसे दौड़ती रही। उनकी हालत देख के एक पुलिस ने उनकी मदद की, उनके हाथ पकड़ के गाड़ी के ऊपर चढ़ाया। लेकिन एमजीआर के जो पत्नी थे जानकी, उनके एक भतीजा ने जयललिता को धक्का देके गाड़ी से नीचे गिरा दिया। उसके बाद जयललिता रो रो के अपने घर चले गए। उसके बाद एमजीआर की पत्नी जानकी एवं जयललिता के बीच में राजनीति की सियासत को लेकर असली संघर्ष शुरू हुआ। जयललिता को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया गया, पार्लियामेंट के अंदर ही उनके साथ छिड़कन किया गया, उनके कैरेक्टर को लेके उन्हें बेइज्जत किया गया, उनके साड़ी को फाड़ दिया गया। तब जयललिता रो रो के बाहर आ गई थी एवं ठान लिए थे हम उसी दिन ही जगह पर आएंगे जिस दिन हम तमिलनाडु के सीएम बन जाएंगे। 1995 में जयललिता का जो गोदीलाल है बेटा सुधाकरण, जब उनका शादी हुआ तब वो सवाल के घर में जयललिता फंस गई थी। इसके बाद 1996 में चुनाव में वो हार गई। उनके घर पर छापा पड़ा, विजिलेंस ने 896 केजी सिल्वर, 28 केजी गोल्ड, 750 जोड़ी जूते, 51 घड़ियाँ यानी कि वॉच एवं 10,000 साड़ियाँ बरामद की। भ्रष्टाचार की आरोप लगा। लेकिन 2001 में जो इलेक्शन हुआ वो फिर से जीत गई। इस बार वो आयरन लेडी बन चुकी थी। एक झटके में उन्होंने एक साथ 2,48,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। इसके बाद फिर से 2006 के चुनाव में वो हार गए थे। 5 साल के बाद 2011 में वो फिर से जीत गई। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार के आरोप में वो आरोप की वजह से वो 3 साल के बाद फिर जेल जाना पड़ा उनको। 4 साल का सजा हुआ था लेकिन वो तमाम वो आरोप से वो बरी होकर रिहा हो गए। उसके बाद 2015 में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए थे। वो डेली सुबह 5-6 बार पूजा किया करते थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1948 को हुआ था। फिल्म दुनिया से लेकर राजनीति दुनिया तक उनको कामयाबी भी मिली थी। 2016 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी डेथ जो के रहस्य बन के रह गई है। उनका सपना था एमजीआर के साथ रहने के लिए। इसके लिए उनके मरने के बाद उनकी चाहने वालों ने एमजीआर के पास जयललिता की समाधि बना दी। अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो आप जरूर इधर आके देखिए। उसके पास है मेरीना बीच, आप एक ही साथ दो दो जगह घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।